देखो हमको कितना काम है, 12 बजे तक पढ़ना पड़ेगा आज। लगा के चले गए मम्मा, देखते रहना। बड़ा ऑकवर्ड हो गया मेरे लिए। आ गए। वेलकम बैक गाइस, और हम ये को नाचोस सिज़लिंग हॉट नाचोस देख रहे हो आपने। सिज़लिंग हॉट के चिप्स तो खाई होंगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाचोस ऑलवेज विन। हाँ, और ये लड़का नाचोस ले आया था परसों, मेरे साथ मार्केट गया था और इनके पीछे पागल हो रखा है। और ये इसका नया नाइट सूट भी लाए थे हम, जो फटा हुआ है। इसको ये मेरे जैसा चाहिए था, ऐसे कोजी कोजी सा, तो ये लाई। और ये आज इसका पजामा फट भी गया नीचे से, गजब बेइज्जती है। इसको ठीक कराना पड़ेगा। और कल इनका एग्जाम है। आज हम आए एक शादी से, शादी में गए थे, अभी 7:30 हो गए, हम 6 o'clock तक आ गए थे, है ना। आयुष अंदर पढ़ रहा है और इसको बोला है पढ़ने के लिए, लेकिन बीच बीच में इसको पता नहीं क्या कीड़े उठते हैं, ये नॉन स्टॉप बैठ ही नहीं पाता 15 मिनट से ज्यादा। तो अभी तो अभी इसको पढ़ाते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। 15 minutes later. Guys, मैं दोबारा मम्मा के चंगुल से बच चुका हूँ क्योंकि Aldi Spiderman. Control. यश गुड बॉय, आराम से बैठ के पढ़ता रहता है। और ये लड़का कहाँ गया? ये इससे तो टिका नहीं जाता। जब पढ़ रहा हूँ। आई तो मैं गाजर का हलवा दे दूँ बेटा। नहीं। मेरे को चलेगा। हैं? मेरे को चलेगा। देखो हमको कितना काम है, 12 बजे तक पढ़ना पड़ेगा आज। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। I used to pick you up and drive to a place we could talk for hours. Sometimes we'd run out of words to say, but we didn't mind. 'Cause we could lay on the ground and just stare into each other's eyes. And I remember when you kissed me, I felt the taste of you. तो जैसा कि आपको पता है, शादियों का सीजन चल रहा है और इतना कुछ उल्टा सीधा खाया जाता है। अभी भी डाइनिंग टेबल पे 3-4 डब्बे रखे हुए हैं जिसमें से मिठाई खाए जा रहे हैं। अब तो लिमिट सारी क्रॉस हो गई हैं क्योंकि मेरी इतनी वॉक भी नहीं हो पा रही आजकल। मेरा है कि कम से कम हेल्दी खाना तो स्टार्ट करें ना, ये मिठाइयाँ बहुत हो गई हैं। तो मैं बना रही हूँ उत्तपम सबके लिए। इसमें मैंने कैबेज, कैरेट और वही दही, सूजी, ओट्स का आटा डाला है, हरी मिर्ची डाली है, काली मिर्च डाली है और नमक, वही जो होता है। तो खाने का थोड़ा शेड्यूल सुधारते हैं, एक्सरसाइज और वॉक वगैरह भी और 10-15 दिन के बाद शुरू हो जाएगी मेरी। आज सैटरडे एक्चुअली, आयुष बैठा हुआ टीवी के सामने क्योंकि रात को अर्जेंटीना, कौन सा था, अर्जेंटीना और दूसरी कंट्री, तो रात को लेट स्टार्ट हुआ था अर्जेंटीना और नेदरलैंड वाला जो फुटबॉल मैच है, तो रात को देखने नहीं दिया था, तो सुबह बैठ के वो देख रहा है हाइलाइट्स। तो उसको ब्रेकफास्ट अंदर ही देना पड़ेगा क्योंकि फुटबॉल मैच, यू नो, बॉयज थिंग्स। तो आदमी देख रहा है कार्टून, यू नो, किड्स थिंग्स। सोनू जा रहे ऑफिस, सडन जाना नहीं था एक्चुअली, सडन कोई मीटिंग आ गई, कॉल आ गया, तो फटाफट पहले उनके लिए उत्पम बनाती हूँ और फिर अपने लिए बनाऊंगी। मैंने मशीन लगा दी है, कपड़े ढेर हो जाते हैं सर्दियों में, एक तो मोटे कपड़े होते हैं, स्वेट शर्ट्स पे आ गए हैं बच्चे, वो सब पहनते हैं। और मैं तो आपको पूरी सर्दियाँ इसमें और एक ऐसा ही ब्लू कलर का है मेरा, उसी में दिखूंगी आपको घर पे, क्योंकि मुझे कोजी कोजी कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं और ये कंफर्टेबल भी है, काम भी आराम से हो जाता है। तो कुछ 1-2 महीने बर्दाश्त कर लेना मुझे इन कपड़ों में। That is brand new information. सोनू को रहता घी मत दिया कर, बट मैं चुपके से थोड़ा सा घी दे देती हूँ क्योंकि यार चल जा
यार घी भी जरूरी है खाना, मैं बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ, हल्का सा डालती हूँ, बट घी भी खाना चाहिए। तो बहुत ही थोड़ा सा घर का घी है, वो भी सबसे बड़ी बात है ना, तो हल्का सा ही डालूंगी, बट घी में ही बनाती हूँ मैं उनके लिए चिल्ला उत्तपम जो भी होता है। हाँ बेटा, हाँ ला रही हूँ। ये बन गया आद्विक के लिए, स्माइली बनाया था, स्माइली का पता ही नहीं क्या हो गया। आंधी को दे के आते, उसे बड़े पसंद है उत्तपम ना, मतलब उत्तपम ऐसी चीज़ है जो घर में सबको पसंद है, जैसे पोहा है सब खा लेंगे बट आयुष नहीं खाएगा। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो यू नो एक को पसंद है दूसरे को नहीं है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है कि अब इसको क्या दूँ। मैं मम्मी पापा तो हम तो भाई कुछ भी खा लेते हैं तीनों, हम नहीं ज़्यादा नखरे करते, नखरे वाले हैं ये तीनों पापा बेटा सोनू आयुष और आद्विक, कुछ उसे पसंद है कुछ उन्हें पसंद नहीं है। ये लो आदी। हाँ जी, तो अब है मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम, सोनू चले गए ऑफिस, बच्चे खेल रहे हैं नीचे फुटबॉल, क्योंकि आजकल फुटबॉल मैच चल रहे हैं ना। और ये देखो, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, लगा के चले गए मम्मा देखते रहना उन, एक्चुअली मुझे इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है ना। फुटबॉल क्रिकेट का तो मुझे फिर भी पता है, फुटबॉल वगैरह का कुछ नहीं पता। तो दोनों लगा के गए कि मम्मा देखते रहना ऐसे ही सीखोगे, मैं कहा भाई मुझे सीखना क्यों है। तो अभी इसको बंद करूंगी और नेटफ्लिक्स पे जाके जाकिर खान के एपिसोड्स देखूंगी मैं। यू आर चालाक ब्रो, चालाक ब्रो, चालाक। तो इसको भी बंद करने वाली हूँ, और ब्रेकफास्ट में मैं वही उत्तपम खा रही हूँ, और साथ में ब्लैक कॉफी बोल के गए सोनू। मैं कॉफी पीती हूँ लेकिन मेरी भाई दूध वाली होती है और चीनी वाली होती है। तो जैसे कि मैंने बताया, आजकल मेरी एक्सरसाइज बिल्कुल, फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल बंद हो रखी है। देन ही सेड कि कम से कम खाने पे तो थोड़ा सा वो कर लेना, कि थोड़ा सा बैलेंस बना रहे। तो ये ब्लैक कॉफ़ी यार दिख नहीं रही होगी इसमें, नहीं तो गंदी लगती है, कड़वी। ये पी रही हूँ मैं, इससे तो बोलते हैं हेल्दी, ये अच्छा ऑप्शन होता है वेट लॉस का। मैं आज जाऊँगी सरोजनी नगर, पहले भी एक दिन गई थी एक्चुअली, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, मुझे उनके लिए कुछ सामान लाना था सरोजनी नगर से, लेकिन एक तो उस दिन रश इतना था, दूसरा मैं लेट भी हो रही थी। हे दोस्तों, कल के बाद सीधा अगले दिन मिल रही हूँ आपसे, और मैंने आपको बताया था ना कि मुझे सरोजनी नगर जाना है, कल मैं जा नहीं पाई क्योंकि सोनू की आ गई सडन मीटिंग। तो अभी जा रही हूँ, संडे है, और पता है टाइम क्या हुआ है, 9:15 हुए हैं। और आप बोलोगे कि इतनी सुबह सुबह तो मार्केट भी नहीं खुली होती, बट अभी निकलूंगी, कैब से जाऊंगी, मेट्रो से नहीं जाऊंगी, ताकि जल्दी जाऊँ और जल्दी वापस आऊँ, क्योंकि मुझे लंच भी बनाना है फिर। मम्मी तो है नहीं, नहीं तो पीछे से मम्मी देख लेते हैं ना, तो वो सब चीज़ है। 2 बजे से पहले आने का मेरा टारगेट है। और मैंने आपको बताया था ना कि मेरे बाल काफ़ी टूट रहे हैं, तो वो जो मामा जर्द का लगाया था उससे कोई भी आराम नहीं हुआ। तो डॉक्टर के पास गई मैं, तो उन्होंने बोला, वो सीधा मुझे पता था वो बैठते क्या पूछने वाले हैं, उन्होंने बोला कि ब्रश कितनी बार करते हो दिन में। मैंने कहा सर 2-3 दिन में एक बार। एक्चुअली यही हो रहा है मेरे साथ, मैं नहा के तो नहाती तो डेली हूँ। अच्छा, नहा के बस ऐसे बाल ऐसे रहते ना कि हाँ हाँ करूंगी, एक बार किचन संभालू, हाँ हाँ करूंगी, एक बार ये कर लूँ, थोड़ा घर खिलारा फैलाए रहते हैं बच्चे, ये देखो अभी भी, तो वो कर लूँ, फिर वो रह ही जाता है। तो कई बार तो लिटरली ऐसा होता है 2-3 दिन तक मेरा क्लचर या रबड़ ही लगा रह जाता है, और मैं कॉम ही नहीं कर पाती। तो उन्होंने इतना डांटा ना मुझे, कहते फिर रहने तो कोई जरूरत नहीं है फिर यहाँ आने की, और पैसे लगा लोगे आप यहाँ पर आकर। लेकिन जो कॉम है, जो सबसे बेसिक नीड है बाल हेयर ग्रोथ के लिए, वो नहीं कर सकते आप, यहाँ पर आकर पैसे लगा दोगे। ब्रश करो, नॉट ओनली कॉम, क्योंकि इससे जो है ना वो अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है आपकी स्कैल्प पे। तो आपके लिए भी बोल रही हूँ मैं, आप भी ये सब किया करो, अगर आपके बाल भी काफ़ी झड़ रहे हैं मेरी तरह। वो कहते टाइम कितना लगता है, 2 बार यहाँ ब्रश मारना है, 2 बार यहाँ मारना है, 2 बार यहाँ मारना है, क्या करते हो ऐसा जो आपको 2-3 दिन लग जाते हैं भाई ब्रश करने में। बड़ा ऑकवर्ड हो गया था मेरे लिए। तो अभी मैं मार्केट जाती हूँ, एक साड़ी चेंज करानी है मुझे, और कुछ ज्वेलरी लेनी है, जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है ना, पार्टी वेयर टाइप ऑफ, वो सब लेना है। क्लचर नहीं है मेरे पास आज, तो वो लेने जाते हैं। बच्चे सो रहे हैं, संडे है ना, और सोनू भी घर पे ही है, तो बस यही सीन है, अभी निकलते हैं। हाँ जी, प्लान में छोटा सा चेंज आया है। एक्चुअली सोनू बोल रहे हैं कि कैब से ही जा रही है, तो फिर अच्छे से नाश्ता वाश्ता करके चली जाए, दूसरी चाय पी ले। एक्चुअली हम दोनों को इतना ऑब्सेशन है ना एक दूसरे के साथ चाय पीने का, लिटरली आई कांट टेल यू। अब ये रहता है कि बस मौका मिल जाए, हम एक साथ बैठ के दोनों चाय पिए। तो फटाफट चाय बना रही हूँ, और उसके साथ ही वो बोल रहे हैं कि ब्रेड मुझे तो ब्रेकफास्ट दे ही जा, बच्चे सो रहे हैं, तो मैं भी नाश्ता करके निकल जाऊंगी। और वैसे भी आजकल मुझे कम ही अटेंशन मिल रही है तीनों बाप बेटों की, फुटबॉल मैच की वजह से तीनों घुसे रहते हैं टीवी में, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है।
तो अच्छा चलो चाय पियेंगे, थोड़ी सी गप्पे शप्पे मारेंगे और फिर निकलूंगी मैं। 9:30 हो गई या 9:45 तक मैं निकल जाऊंगी। कैब से जा रही हूँ तो टाइम भी कम लगेगा और वो भागा दौड़ी भी कम होगी, है ना? तो चलते हैं। आई एम वेटिंग फॉर माई कैब, 2 मिनट्स का दिखा रहा है अभी, तो अभी बस आने वाली है और कैब से निकलते हैं जल्दी जल्दी। आ गई। नेचुरल रंग में चौथा मुझे सिल्क तो नहीं है भैया, ये सिल्क नहीं है। ओ सिल्क में बताइए, सिल्क में आए सारे अलग। ये ब्लैक वाले खोल के देखो, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। Your next fantasy.